बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आया हूँ फिर से रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जो कि अनंतनाग में है माउंट बर्ड व्हील्स के नाम से। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि आज हम टेस्ट राइड करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 जो कि नई लॉन्च हुई है। तो फाइनली ये मौका आ गया, हमें भी मौका मिला थैंक्स टू माउंट बर्ड व्हील्स जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का और इसकी टेस्ट राइड करने का। तो चलिए ये वीडियो को देखना लास्ट तक और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं टेस्ट राइड स्टार्ट। अभी हम इसकी टेस्ट राइड करेंगे तो हम चढ़ गए बाइक पे और अभी जो है पहले स्टार्ट करेंगे। तो हमने बाइक स्टार्ट की। तो चलिए गाइज अभी हम निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। सफ़र ये है कि इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। यार इसका पिकअप जो है ना बहुत ही ख़तरनाक है। जो इसका प्रेडिसेसर था उससे भी बड़ा ख़तरनाक। हम पहले रोड क्रॉस करेंगे एंड देन उसके बाद जो है ये टेस्ट ड्राइव स्टार्ट होगी। ये आपने देखा, ये चीज़ नोटिस किया आपने कि जब आप अंधेरे में जाते हैं तो ये कलर जो है डिफर करता है। राइडिंग पोजीशन मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी। तो चलिए लेट्स बिगिन द राइड। अभी फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर में आ गई सीधा 33। भाई पिकअप इसका ना बड़ा ख़तरनाक है, ब्रेकिंग के मामले में भी बड़ी तगड़ी है ये और ऐसा लगता है कि आप ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। एंड हम इस पे जो है दो बंदे बैठे हैं, मैं राइडर और एक प्लेयर राइडर दोनों हैं हम। फिर भी पिकअप में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इसको सोलोली भी चलाया है। तो अभी थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर में जा रहे हैं हम। तो बाइक जो है मनूवर अच्छी कर लेती है, बढ़िया मनूवर कर लेती है ये। इजीली आप जो है ऑफ रोड ऑन रोड पे चला सकते हैं तो ये एक बढ़िया चीज़ है अब इसमें आई है। एंड इसका जो मेन चीज़ है अभी पीछे वाला टायर जो है वो अभी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है मोटा। तो 140 mm का टायर जो अभी आ रहा है तो उससे जो है ग्रिप भी बढ़िया रहती है रोड पे। बाकी आप बोलेंगे माइलेज, तो ऐसी बाइक्स में माइलेज ढूंढना तो ये गाली हो गई मेरे हिसाब से क्योंकि 450 cc की है। अगर आपको पावर चाहिए तो माइलेज की बात करिए ही मत। अगर परफॉर्मेंस आप चाहते हैं तो आपको माइलेज को बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गियर नीचे करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हाईवे पे बड़ा लोचा है। बाकी अगर बात करें इसके पिकअप की तो पिकअप तो बड़ा ही ख़तरनाक है। ये देखिए जितनी जल्दी ये थ्रॉटल लेती है उतनी ही जल्दी अगर ब्रेक हम दे तो वापस जो है ज़ीरो पे भी चली जाती है। तो ये चीज़ भी मुझे इसकी अच्छी लगी क्योंकि ये एक नया इंजन है 450 cc का, 40 bhp का पावर एंड 40 Nm ऑफ टॉर्क। ये आपको 40-40 ही मिल रहा है। तो सस्पेंशन की मैं अगर बात करूँ तो फ्रंट में आपको यहाँ पे शोवा मिलते हैं। शोवा के सस्पेंशन बहुत ही तगड़े और बहुत ही ख़तरनाक सस्पेंशन है, वो सुपर बाइक्स में आते हैं तो इस बार जो है इसमें दिया हुआ है। प्राइस पॉइंट की मैं बात करूँ तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी ये बढ़िया है क्योंकि KTM इसकी राइवल है 390, बट वो इससे प्राइस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। बट ये उससे जो है सुपीरियर है क्वालिटी के हिसाब से भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रेफर। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है क्योंकि जब हिमालयन 411 आई थी मार्केट में तो रेवोल्यूशन आया था क्योंकि उससे पहले ट्रायम्फ हुआ करती थी तो ऑफ रोडिंग का कोई ऑप्शन नहीं था। तो रॉयल एनफील्ड जो है ये कंसेप्ट ही चेंज कर दिया 411 के चलते। तो फिर बाद में जो है उनको अपग्रेड करना ही था, उसमें कुछ इशू होंगे या बाकी जैसे बाकी कंपनीज अपडेट करती हैं तो इनको भी अपडेट करना पड़ा। तो अब जो अपडेट आया है वो नेक्स्ट लेवल है, इसके क्या ही कहने हैं। आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस बार मिल रही है। प्राइस पॉइंट इसका है 3,60,000। ये वाले कलर का 3,40,000 से स्टार्ट है। ये कलर का वेरियंट्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो कलर डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सब में सेम, जितना भी टेक है वो सब में सेम ही है फ्रॉम बेस टू टॉप। अब आपकी चॉइस है आप कौन सा कलर लेंगे। बाकी एक्सेसरी जो है वो आप कंपनी पे लगा सकते हैं, इसकी एक्सेसरीज़ भी अलग से आती है। और इसका विंडशील्ड जो है बहुत ही बढ़िया है। अभी जो है ये वाला विंडशील्ड जो है
फुली एरोडाइनमिक जो है इस बार बनाया हुआ है, एयर फ्लो इसका बढ़िया अच्छी तरीके से निकलता है, एंड पावर तो मैंने आपको दिखाया ही। ये उड़ती है ये, और ये वाला कलर जो भी आता है वो ये देखता रह जाता है कि ये वाला कलर क्या बना है, क्योंकि BMW का एक जो आता है आई थिंक BMW 1200S ऑफ रोडिंग आती है इनकी, तो उसमें क्या है, उसमें भी आपको सेम ही रिम्स मिलते हैं ये गोल्डन कलर के, तो अब आपको वही चीज़ 360,000 में मिल रही है, तो इससे भी बढ़िया आपको क्या चाहिए। 40 BHP का पावर है, लद्दाख जाना हो, मनाली जाना हो, ऑफ रोडिंग करनी हो, पहलगाम जाना हो, तो ईजिली जाइए और ऐश कीजिए। अभी 6th गियर टॉप गियर में चल रहे हैं हम, भाई कितनी स्मूथ है यार, कितनी स्मूथ है, पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड से तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसका इंजन। 6th गियर में आप देखिए यार, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है, और राइडिंग पोजीशन वो तो यार नेक्स्ट लेवल, मुझे बड़ा मज़ा आया। कमर भी इसके आपको दुखेगी नहीं, ये चीज़ जो है ये मैंने इसमें नोटिस किया। और एक चीज़ है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया, आपको नज़र भी पड़ेगी बट आप डाइवर्ट भी नहीं होते हैं, तो पोजीशनिंग इसकी जो है इस जगह पे रखी हुई है, तो ये मुझे ना बहुत ही बढ़िया लगा। कई बार ऐसा होता है मैं ऑन करता हूँ डोमिनार तो उसको जो है आधा मीटर उन्होंने टैंक पे रखा हुआ है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर बाई चांस उसको हम देखेंगे भी तो वो आपको जो है एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो उससे बंदा डाइवर्ट होता है। बट यहाँ पे जो है सिंगल कंसोल है, फुली डिजिटल, इसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। राइडिंग मोड से आप अपने हिसाब से जो है चला सकते हैं, इको में चलाना हो, परफॉर्मेंस मोड में चलाना हो, आपकी मर्ज़ी। तो बाइक इजीली मनूवर भी करती है, तो नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल। तो अभी हम यहाँ पे जो है, यहाँ से हम वापस टर्न लेंगे। तो आई होप कि आपकी राइड जो है एंजॉय की होगी अच्छे से, मैंने भी तो बहुत ज़्यादा की, इतना मज़ा आया मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो परफॉर्मेंस हिसाब तो आपको मैं इसमें 10 में से लगभग 10 ही दूंगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। बाकी मेंटेनेंस आपके ऊपर होता है, बाइक को आप जितना मेंटेन रखेंगे तो उतना ही आपको ये वापस जो है हेल्प करेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसको प्रॉपरली जो है मेंटेन करना पड़ता है हर बार, उस चीज़ का खास ख्याल रखना, क्योंकि हैवी बाइक्स में जो है आपने मेंटेनेंस बराबर रखनी पड़ती है, और आपको प्रॉपरली जो है रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड होते हैं बंदे, तो अगर आप इधर उधर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आपको डबल पैसा लगता है, तो उस चीज़ का ख्याल रखिए। तो अगर आप सोच रहे हैं ये चीज़ लेने की तो बिल्कुल इस पे जाइए, आंख बंद करके मैं बता रहा हूँ, और ये कोई मैं ऐसे कोई प्रमोशन नहीं करता किसी चीज़ की, क्योंकि अगर आप सही में लेना चाहते हैं ऑफ रोड बाइक तो ये है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450। रियल परफॉर्मर है ये, किंग बोलेंगे इसको, अपने सेगमेंट की किंग है ये। बाकी हमारे यहाँ पे जो ड्राइवर साहिबान हैं ये बिना इंडिकेटर्स के भी कहीं से भी घुस जाते हैं, भाई ब्रेकिंग इसकी लाजवाब है कसम से, बड़ी खतरनाक ब्रेकिंग है इसकी, 77 से बिल्कुल डाउन हो जाती है। बाकी आई होप कि आप लोगों ने ये राइड एंजॉय की होगी, एंड ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को और एंजॉय करते रहेंगे फ्यूचर में भी, और हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो गाइज जो है अभी हमने ये टेस्ट राइड जो है आज कंप्लीट की, थैंक्स टू उमेर भाई, हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, एंड थैंक्स टू, नाम बताइए, शमसुद्दीन साहब, ये यहाँ पे जो है हेड मैकेनिक है, हेड मैकेनिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे आइए उमर भाई के पास अगर बाइक बुक करनी हो, अगर टेस्ट राइड भी करनी हो आपको किसी बाइक की, तो उमर भाई है यहाँ पे, इनका कांटेक्ट मैं देके रखूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, हर एक चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। बाकी इसकी टेस्ट राइड ऑसम थी,
ये बाइक मुझे दिल से पसंद आई, बस आपका सपोर्ट चाहिए तो मैं ये भी लाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।